बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। यकम मई 2020, जमात पश्तन, उर्दू, जुमातुल मुबारक। सबक नंबर 8, रेल का सफर। ये नज्म है रेल का सफर, शायर का नाम है सैयद जमीर जाफरी। बेटा, ये शायर जो है सैयद जमीर जाफरी, ये मज़ाहिया नज़में लिखते हैं, तो इनकी नज़में आज जो हमने नज़म पढ़नी है रेल का सफ़र, ये भी इन्हीं की लिखी हुई है। ये भी नज़म बहुत मज़ाहिया है। तो बेटा, मज़ाहिया नज़में लिखने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इसमें मज़ाक पाया जाता है, बल्कि इन नज़मों में कोई ना कोई पैगाम छुपा हुआ होता है। तो इसमें, इस नज़म में रेल के सफ़र के बारे में सैयद जमीर जाफरी बयान करते हैं कि रेल का जो है निज़ाम कैसा है। जैसा उन्होंने बयान किया, बहुत ही मज़ाही अंदाज से बयान किया हुआ है, इतना भी रेलवे का निज़ाम बुरा नहीं है जितना उन्होंने मजाक में बना दिया है। तो वैसे इसकी नज़म जो है, ये पढ़ते हुए आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो बाद में हम इसकी तशरीह करते हैं, अभी हम मुश्किल अल्फाज के इसके मायने लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है। तो आएंगे इधर मुश्किल अल्फाज के मायने की तरफ। मुश्किल अल्फाज के मायनी, अल्फाज मानी, अबस फजूल, मर्दमशुमारी गिनना, गुंजाइश जगह, ललकारना नारा मारना, बहम आपस में, लाओ लश्कर भीड़ हजूम, फौजियों का लाओ लश्कर यानी के भीड़ या हजूम, गठर बड़ी गठड़ी, गठड़ी की जमा है गठर, ठीक है, आशनाई दोस्ती या जानना, मकबूल मशहूर, नफूस, इसके मायने तो अफराद है लेकिन ये लफ्ज नफूस जो है नफ्स की जमा है, ठीक है, नश्तर तेज धार वाला चाकू या छुरी या कोई ऐसा आला जिससे सर्जरी वगैरह की जाती है, मोर्चा छुपकर हमला करने की जगह, जंगों के दौरान मोर्चे बनाए जाते हैं, उनमें फौजी छुपकर हमले करते हैं। तो यहाँ जो मोर्चा है, उन्होंने ट्रेन की जो है बोगी या उसका, उसको कहा गया है मोर्चा बनाया गया है, ठीक है, मजाही अंदाज में उन्होंने इसको मोर्चे का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जुलूस निकलना, बुरा हाल होना, वैसे जुलूस निकलने का मायने जो है ये भी बनता है कि लोगों का इकट्ठे होकर जुलूस निकालना, ठीक है, लेकिन यहाँ उन्होंने मजाही अंदाज में इसको बयान करते हुए लिखा है बुरा हाल होना। ये मुश्किल अल्फाज के मायने हैं बेटा। जब तक आप लोगों को ये मायने अच्छे तरीके से याद नहीं होंगे तो हम तशरीह नहीं कर पाएंगे। तो तशरीह करने से पहले अशार की इन मायने को अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है और लिखना भी है ताकि हमें तशरीह करने में आसानी हो। आज का हमारा नक्श यही है कि आप लोगों ने अल्फाज के मायने लिखने हैं और याद करने हैं। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन अशार की तशरीह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।